हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस के इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए, जिससे कि रिलेटेड अपडेट्स आई हुई है, जिससे कि रिलेटेड डीवी के लिए बुलाया गया है, जिससे कि रिलेटेड जो कैंडिडेट्स है उनको कहा गया है कि अगर आप एब्सेंट थे तो भाई अब इस बार आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप आके यहाँ पे प्रेजेंट हो जाओ, यहाँ पे जो कि आके आप अपना वेरिफिकेशन करवा लो। तो ये सारे डेट्स जो अभी नेस्ट वालों ने निकाले हैं लिस्ट के फॉर्म में, रोल नंबर्स कॉल किया है 208 लोगों का और अपने वेबसाइट पे डाला है, या फिर जिनको ईमेल्स भेजे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ईएमआरएस कैंडिडेट्स के लिए। तो आइए इस वीडियो में हम वो सारे डेट्स के बारे में जो कि मे मंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चर्चा करते हैं, और सारे डेट्स को जो कि है एक लिस्ट बना के सारे डेट्स का रखते हैं, ताकि हमें कभी भी आगे फ्यूचर में जो भी डेट पे हमें प्रेजेंट होना है कोई कंफ्यूजन ना हो, एंड ऑन टाइम हम जो कि है रिपोर्ट कर सके टू द नेस्ट अथॉरिटीज। तो आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। और ज्ञानालय के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इस मंथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो डेट शुरू हो रहा है ईएमआरएस कैंडिडेट्स के लिए, वो 13 तारीख से शुरू हो रहा है, क्योंकि 13 तारीख को जितने भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैं या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसका कि नोटिस भी निकल चुका है वेबसाइट पे, जिसमें कि 208 रोल नंबर्स मेंशन किए गए हैं, तो उसकी लिस्ट जो कि है वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और 8:30 बजे दिल्ली में रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये डेट जो कि है 13 तारीख की, 13 मई 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका कि रोल नंबर उस लिस्ट में जो कि वेबसाइट पे डली हुई है मेंशन्ड है। आप लोगों को 13 तारीख को 8:30 बजे रिपोर्ट करना है दिल्ली में। उसी के साथ साथ फिर 18 तारीख की डेट आती है, जो कि जितने भी टीचिंग से जुड़े लोग हैं, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी लोग उनमें से फर्स्ट डीवी में एब्सेंट थे या फर्स्ट डीवी के समय वहां पे प्रस्तुत नहीं थे, उन लोगों को नेस्ट अथॉरिटीज ने फिर से एक चांस दिया है और उन्हें ईमेल करके बुलाया है, और उन्हें भी जो कि है दिल्ली में रिपोर्ट करना है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 15, 16 और 17 तारीख की, तो 15, 16 और 17 तारीख जैसे टाइपिंग वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें जो कि है वहां पे प्रेजेंट रहना होगा। ये जो कि है शॉर्टलिस्टिंग स्किल टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, जो जेएसए कैंडिडेट्स हैं उन्हें वहां से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो जो कि है 15, 16 और 17 तारीख की होगी, इसके लिए उन्हें बुलाया गया है। वहीं 19 तारीख को देखें तो जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो भी नॉन टीचिंग वैकेंसीज निकली थी, फिर चाहे वो हॉस्टल वार्डन की हो, लैब अटेंडेंट की हो या फिर अकाउंटेंट की हो, जो एब्सेंट थे अपने फर्स्ट डीवी के समय, उन्हें भी ईमेल के द्वारा बुलाया गया है 19 तारीख को, कि आप भी जो की है आके प्रेजेंट रहो, और आपको जो की है फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि भाई आप जो की है इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करो और आप जो की है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सको। इसके साथ साथ जो जेएसए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए 30 और 31 में इम्पोर्टेंट डेट्स है, क्योंकि 30 और 31 मई को जो की है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगी नेस्ट अथॉरिटीज जेएसए वालों का, जिनका की स्किल टेस्ट कंडक्ट करे, जिनके लिए की स्किल टेस्ट शॉर्टलिस्टिंग कंडक्ट कर रही है 15, 16 और 17 तारीख को। तो ये थी मई मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डेट्स की लिस्ट, जो कि हम सबको ध्यान होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए, सारे ईएमआरएस कैंडिडेट्स को जो कि इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, ताकि वो टाइमली जो कि रिपोर्ट कर सके दिल्ली में, नेशनल जो ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट है उन्हें वहां रिपोर्ट करना है, जो ट्राइबल नेशनल ट्राइबल जो इंस्टीट्यूट है उन्हें वहां रिपोर्ट करना है, और ट्राइबल इंस्टीट्यूट के लिए हर जो डेट्स है, चाहे फिर वो संडे का हो या मंडे का हो, उनके लिए स्पेसिफिक टाइम है रिपोर्ट करने का। तो आई एम श्योर कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने ऑलरेडी जो कि ये चेक कर लिया होगा, जिन्हें ईमेल आया है उन लोगों ने भी, जिन्हें जो कि है रोल कॉल के थ्रू बुलाया गया है 8:30 बजे का टाइम देके, उन लोगों ने भी, और उन लोगों ने ऑलरेडी अपना ये जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑलरेडी फिक्स कर लिया है, और वो लोग जो कि वहां पे टाइमली प्रेजेंट रहेंगे। ट्रांसपोर्ट का कोई भी फी नेस्ट अथॉरिटीज पे नहीं करेगी, ये मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, टेलीग्राम पे किसी ने पूछा था, ये भी मैं बता देना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ
मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जून जो कि है जितना खास महीना मई है उतना ही खास महीना जून भी रहेगा, क्योंकि 30-31 तक सारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करने के बाद स्कूल अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग जो कि है नेस्ट अथॉरिटीज जून के महीने में करेंगे, तो जून माह भी उतना ही खास है जितना कि मई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ट्विटर कैंपेन के बारे में भी आप अवगत कराना चाहूंगी आप लोगों को, क्योंकि ये जो ट्विटर कैंपेन है जब पिछली बार सब लोगों ने मिलकर किया था तो उसका असर हमें देखने को मिला, फिर चाहे वो नेस्ट के रिक्रूटमेंट में हो, जेएसए टाइपिंग जो शॉर्टलिस्टिंग जो स्किल टेस्ट का डेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में हो, जो या फिर जो 30 और 31 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट में देखने को मिला हो। तो इधर लगातार नेस्ट अथॉरिटीज ने जो की है ईमेल के थ्रू, नोटिस के थ्रू, लिस्ट डाल के वेबसाइट पे जो की है लोगों को बुला रहे हैं वो, और ईएमआरएस कैंडिडेट्स को जो की वो अश्योर कर रहे हैं कि कहीं से भी वो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को भूले नहीं है। और ये सब सारा असर इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने कैंपेन बहुत अच्छे से चलाया है, जो जो ट्विटर पे चल रहा है उस कैंपेन में आज भी आप लोग हिस्सा लें और ट्वीट करें, रीट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ताकि जो आगे की प्रक्रिया है वो भी इतनी ही स्मूथली कैरी हो सके जो कि जैसे कि अभी की प्रक्रिया कैरी हुई है। तो आई एम श्योर कि जो मई का मंथ है, जो स्पेसिफिक डेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो गलती से भी कोई गलती नहीं करेंगे इस बार। जो एब्सेंट थे, जिनका कुछ पेंडिंग है, कुछ इनकम्प्लीट है, वो सब कुछ इस बार ले जाएंगे, सारा वेरिफिकेशन इस बार करवा लेंगे और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे कहीं से भी। तो फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।